ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है G20। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया। G20 की अध्यक्षता करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि G20 की स्थापना कब हुई। G20 की स्थापना 1999 यानी कि 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध भी शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। अब जानेंगे कि G20 के सदस्य कौन है। ग्रुप ऑफ 20 के 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अतिथि देशों में कौन कौन है। अतिथि देश में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात है, UAE। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो इस बार भारत में हो रहा है। G20 का लोगो भी इस बार विशेष चर्चा का विषय था। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों को दर्शाता है, केसरिया, सफेद और हरे नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय रहा वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड में उनके अंतर संबंध की पुष्टि करता है।
G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की यह 18वीं बैठक थी। यह 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था।